साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के पिता कृष्ण घना मनेनी का आज सुबह निधन हो गया है। 79 वर्ष की उम्र में उन्होंने हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली। कृष्ण घना मनेनी एक जाने माने तेलुगु सुपरस्टार थे। बता दें कि कुछ ही महीनों पहले महेश बाबू की माता का भी निधन हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दिन पहले उनके पिता को हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद आनन फानन में उनको हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महेश बाबू के पिता को अस्पताल ले जाने के बाद तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में कृष्ण घना मनेनी के योगदान को याद किया जाएगा। बीते 2 महीने पहले महेश बाबू की माता जी का निधन हो गया था। उनके गम से परिवार उबर नहीं पाया था कि अब महेश बाबू के पिता चल बसे। अभिनेता के लिए ये बड़े किसी सदमे से कम नहीं है। पिता के निधन के बाद महेश बाबू बुरी तरह टूट गए हैं। महेश बाबू अक्सर अपने पिता के साथ तस्वीरें साझा करते थे। माता पिता की ये तस्वीरें महेश बाबू के साथ हमेशा रह जाएगी उनकी यादें बनकर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भी कृष्ण घना मनेनी के निधन पर शोक जताया है। वहीं जब फैंस को इस बारे में पता चला तो उनका भी दिल टूट गया। महेश बाबू का परिवार इन दिनों काफी मुश्किलों से गुजर रहा है। बोल बच्चन मीडिया टीम की तरफ से महेश बाबू के पिता कृष्ण घना मनेनी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।